क्या यूपी में योगी के मंत्रियों पर दांव खेलने का मन बना रही है बीजेपी? क्या यूपी में सांसदों की जीत पर बीजेपी को भरोसा नहीं है? आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद अब पार्टियों का पूरा फोकस टिकट वितरण पर है। सभी दलों में इसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है। यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन और चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी के उतरने से तमाम दलों के लिए टिकट तय करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनता दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने टिकट बंटवारे को लेकर खास रणनीति अपनाने का फैसला किया है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक यूपी में बीजेपी के 2 दर्जन से ज्यादा सांसदों की टिकट कट सकते हैं। खास बात यह है कि जिस मौजूदा सांसदों की टिकट पर तलवार लटक रही है उनकी जगह योगी सरकार के मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। माना जा रहा है कि योगी सरकार के 10 से 12 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। खबर के मुताबिक रीता बहुगुणा जोशी, ब्रिजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई ऐसे नाम हैं जो चुनावी मैदान का रुख कर सकते हैं। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने कई सर्वे कराए हैं जिनमें ये बात सामने आई है कि मोदी लहर में जीते ज्यादातर सांसदों के खिलाफ जनता में काफी नाराजगी है, यानी लोग अपने सांसद को पसंद नहीं कर रहे हैं। इन सभी सर्वे में एक बात निकलकर सामने आ रही है कि अगर बीजेपी को यूपी में जिताना है तो जिन सांसदों के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी है उनका टिकट काटना ही होगा। ऐसे में पार्टी के भीतर लगभग ये सहमति बन गई है कि जिस सांसद का कामकाज संतोषजनक नहीं रहा है या फिर जो अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं है उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा। खबर के मुताबिक जिन सांसदों के कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं उनमें ज्यादातर सांसद ऐसे बताए जा रहे हैं जो दूसरी पार्टियों से आकर 2014 में चुनाव जीते थे। इनके अलावा आरक्षित सीटों के ज्यादातर सांसद भी इस श्रेणी में बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी अगले 2 से 3 दिनों में पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि पार्टी अपने सभी उम्मीदवारों को 1 महीने से ज्यादा चुनाव प्रचार का वक्त देगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के कौन मौजूदा सांसद अपना टिकट गंवाते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।